अदरक को पीसने से पहले हम एक 5 स्पून ब्लैक पेपर को पाउडर करके ले लेंगे और उसके बाद अदरक को कट करके पीसेंगे। का जूस का कॉन्सेंट्रेट बनाने के लिए हमने लिया है 1/2 किलो अदरक। इसे पहले अच्छे से धो धो लिया है हमने। धोने के लिए आपको एक बार इसे धो के पानी में भिगो के ओवरनाइट के लिए भिगो के रखना है, तभी सारा मिट्टी निकल जाता है। उसके बाद बराबर से 2-3-4 बार धो के इसे सुखाया नहीं है, हमने ऐसे ही रख दिया है तो अपने आप सूख जाता है, रफली सुखा देना है। और अब हम इसे अच्छे से चॉप करके मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। चलिए ग्राइंड करने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस बता देंगे। देखिए ऐसे हम लोग को ग्राइंड करना है इसे, पानी जित ऐसे ही पानी ऐड करके ऐसे ग्राइंड करना है, ऐसा पेस्ट बना लेना है पूरा जिंजर का। आप देख सकते हो एकदम पानी पानी नहीं है, पानी बाद में ऐड करना होता है पीसने के लिए, ये प्रॉपर पेस्ट। देखिए अभी इसे हमने एक बर्तन में निकाल लिया, कढ़ाई में निकाल दिया है, आप कोई बर्तन में निकाल सकते हो। और मिक्सर हम वो एक बार वॉश करके थोड़ा सा पानी इसमें डाल के मिक्स करेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि हम लोग को जिंजर का, प्योर जिंजर का ही जूस चाहिए, तो पानी थोड़ा सा ही ऐड करना है। एक पतला कपड़ा में अभी हम इसे छानेंगे ताकि हम इसका जूस निकाल सकें। अभी इस कपड़े को हम निकाल के ऐसे बांध लेंगे, निचोड़ के बांध लेंगे। अच्छे से निचोड़ लेंगे, अच्छी तरह से दबाकर पूरा रस निचोड़ना है। और फिर इसे इस जूस को रेस्ट करने के लिए रखना है ताकि जो वाइट आ जाएगा इसके ऊपर उसे हमें फेंक देना है। इस जूस को हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे, जो नीचे वाइट जमा हो जाएगा उसे हमें फेंकना है। इसलिए जब हम थोड़ी देर के रेस्ट के लिए रखेंगे तब वाइट ऑटोमेटिकली नीचे जमा हो जाएगा। अभी हम इसमें इस कढ़ाई में डालेंगे, जैसे मैंने आपको बोला था वो जो वाइट जो नीचे जम जाता है उसे इस जूस से सेपरेट करने के लिए। देखिए आप जैसे देख सकते हो ये नीचे है, इसे हमें फेंकना है। तो ये जूस अभी यूज होगा जिंजर जूस कॉन्सेंट्रेट बनाने के लिए। इसे अभी और एक बार रखेंगे, और एक बार ऐसे ही वाइट जो आपने देखा अभी वो जमा हो जाएगा, इसलिए हमें इसे और 5 मिनट्स इसे दोबारा रेस्ट करेंगे। अभी हम इस बर्तन में शक्कर का पाक बनाएंगे। पाक पूरा नहीं बनाना है, थोड़ा सा बनाना है, एक स्ट्रिंग जितना बनाना है। तो आपको मेजरमेंट में बताऊं तो जैसे आप जानते हो कि हमने 1/2 किलो जिंजर लिया, 1/2 किलो जिंजर को 1 kg शुगर लेना है, यही रेशियो है। आप जैसे ही आपका जिंजर ज़्यादा कम करोगे उसी हिसाब से ये रेशियो भी ज़्यादा कम करना है। 1/2 किलो जिंजर को 1 किलो शक्कर, और पानी भी हमें हमने देखा है थोड़ा सा ही पानी लिया है, 1 कप जितना पानी लिया है हमने। गैस ऑन करके इसका पाक बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया 1 स्ट्रिंग तक हम इसे अच्छे से इसका पाक बनाएंगे, पहले ये मेल्ट हो जाएगा उसके बाद 1 स्ट्रिंग का पाक बनाएंगे। शक्कर अच्छे से गल गया है, अभी 1 स्ट्रिंग का पाक बनने तक हम इसे थोड़ा पकाएंगे। देखिए आप देख सकते हो 1 स्ट्रिंग का पाक बन गया है। अभी हम इसमें ये जूस डाल देंगे। आप देख सकते हो इसमें फिर से वाइट जम गया है, उसे हम फेंक देंगे। बाकी का जूस इस शुगर के सिरप में डाल दिया, अब थोड़ी देर के लिए इसे अच्छे से मिलाएंगे। अभी इसमें ब्लैक पेपर डाल दिया है जो हमने पाउडर करके स्टार्टिंग में रखा था, 5 स्पून वो हमने
उसका पाउडर अभी हमने डाल दिया है इसमें, अच्छे से मिल जाएंगे तो ताकि कोई लम्स ना हो। ये हो गया है, ये अच्छे से बॉईल होने के बाद इसे बंद करके रखना। ये कॉन्सेंट्रेट है, बाद में आपको थोड़ा सा ये जूस लेना है और जितना जितना पानी मिलाकर पीना है। ये जूस कफ के लिए, और कफ ब्लॉक होगा या कफ के लिए, सर्दी बुखार के लिए बहुत अच्छा है। बट अभी हम गैस बंद करने से पहले एक नींबू डालेंगे, नींबू का जूस अच्छे से निचोड़ के डाल देंगे। और नींबू का जूस डालने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे, ये ठंडा हो जाए कम्प्लीटली, उसके बाद हम दिखाएंगे इसको, इसका जूस कैसे बनाते हैं, मतलब कितना ये जूस लेना है और कितना पानी डालना है। सर्दी बुखार कफ सबके लिए बहुत अच्छा है, तीखा होता है क्योंकि ब्लैक पेपर काफ़ी डाला है हमने, जिंजर आधा किलो डाला है, तो ये जूस बहुत ही अच्छा जूस है। और ये जूस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, 3 to 4 months तक आप आराम से इसे स्टोर करके रख सकते हो। आपको चबी भी कफ की प्रॉब्लम हो, आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, फ्रिज से निकाल कर थोड़ा सा ये जूस लेकर पानी डाल के मिक्स करके पी सकते हो। ठंडा होने के बाद इसे हमें छानना है और फिर जूस बना के आपको वो भी हम प्रोसेस दिखाएंगे। जैसा कि हमने आपको बोला था कि ये ठंडा हो चुका है, अभी हम इसे अच्छे से छान लेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा छान के दिखाऊंगी, आपको क्या करना है पूरा जूस छान के फिर इसे स्टोर करके रखना है एक बॉटल में। आप भर के इसे फ्रिज में 3 से 4 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। और जब आपको चाहिए, जब भी आपको सर्दी खांसी बुखार होगा, तो आप फ्रिज में से निकाल के थोड़ा सा लेकर फिर पानी डालकर इसे पी सकते हैं। वो प्रोसेस भी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए हमें ऐसे छानना है पहले, अभी मैं थोड़ा सा आपको छान के बताऊंगी भी। देखिए ये हमने छान दिया है, अभी मैं एक ग्लास लूंगी, उसमें मैं 2 cubes आइस डालूंगी, आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, ठंडा पीने में अच्छा लगता है इसलिए 2 cubes ऑफ आइस डालूंगी। फिर थोड़ा सा ये डालूंगी, देखिए आप, मैंने ये इतना डाला है, अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप ज़्यादा भर सकते हो। फिर पानी डालूंगी, पानी जितना जितना मिलाने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब पानी मिलाने के बाद इसे थोड़ा सा टेस्ट कीजिएगा, फिर उसी हिसाब से आप इसको ज़्यादा कम कर सकते हो, अगर तीखा कम है तो आप ये सिरप और भी डाल सकते हो। बहुत ही अच्छा बना है, तीखा भी है स्वीट भी है, क्योंकि जैसे कि रेशियो मैंने बताया था शक्कर का रेशियो, तो स्वीट भी है तीखा भी है, ये बहुत ही अच्छा है। आप कोई गेस्ट आए तो उनको भी दे सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा तीखा नहीं है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है ना, इसमें आप पानी मिलाकर फिर उसके बाद आप ये इसमें पानी मिला सॉरी इसको आप ग्लास में ले कर फिर पानी डालते, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड है तो ये ज़्यादा तीखा नहीं बनता है। आप गेस्ट को सर्व कर सकते हो, ऐसे भी पी सकते हो, आप बीमार हो तभी भी पी सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा हेल्दी है, मार्केट में जो मिलता है उससे बहुत ही काफ़ी हेल्दी है।